So, दोस्तों बवाल का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है जिसको बनाया है नितेश तिवारी ने। जी हाँ, जिन्होंने इससे पहले दंगल और छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। क्या लगता है मुझे? मुझे लगता है कि नितेश तिवारी जो डायरेक्टर हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। इससे पहले दंगल और छिछोरे जो उन्होंने बनाई है, अच्छी मूवी थी, दोनों लोगों ने बहुत पसंद की। बट सीरियसली मैं बताऊं, बवाल का ट्रेलर देख के जो मुझे समझ में आया कि मूवी फिलहाल मुझे सिर्फ नाम से ही बवाल लग रही है। मूवी में हालांकि वरुण धवन है और जानवी कपूर है, वरुण धवन का वही सेम एक्सप्रेशन टेढ़ी स्माइल के साथ पूरी मूवी में, तो वो टेढ़ा क्यों हंस रहे हो? वो तो वही अब फिर से उनकी जो बिल्कुल यूनिक स्माइल है, टेढ़ी स्माइल के साथ उन्होंने डायलॉग बोले पूरी मूवी में, पूरी मूवी में कह रहा हूँ, ट्रेलर में जो दिखाया गया है। इसके अलावा जो ट्रेलर है वो पूरा जिस तरह से शुरू होता है और वो पूरा एक ही पेस में मुझे लगता है कि ट्रेलर चल रहा है। तो फुल मतलब वरुण धवन की एंट्री के साथ ही ट्रेलर एक्चुअली स्टार्ट होता है और वो फुल एक्चुअली दिल्ली वाला लौंडा लग रहा है, जबकि पिक्चर जो बेस है एक्चुअली वो कानपुर से होने वाली है, लेकिन जो उसका जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली जो पर्सनैलिटी उसके अंदर, सो दैट्स कॉल्ड, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाला लौंडा पूरा लग रहा है, फुल फुकरा, जिसे अपनी पर्सनैलिटी से बहुत प्यार है, जिसे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है, जिसे अपनी इमेज से बहुत प्यार है, उसको लड़की भी चाहिए बिल्कुल ढिंचाक। एक्चुअली उसने जो ट्रेलर में दिखाया, उसने जो अपनी पूरी इमेज, एक झूठी इमेज बनाई हुई है अपने आसपास अपने माहौल में, जहां वो एक्चुअली और हिस्ट्री का टीचर भी है जिसे खुद हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता, तो इस तरीके से भी एक सीन है मूवी में। तो कुल मिला के जो प्लॉट है मूवी का, जो ये लग रहा है कि जो वरुण धवन का कैरेक्टर है वो ऐसा है जो एक फेक इमेज बना के अपने आसपास लोगों के सामने रख रहा है और वो अब इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, मतलब लोगों के सामने अपनी एक ऐसी इमेज बना के रखना चाहता है जिसे लोग पूछें, लोग उसकी तारीफ करें। बिल्कुल, और अपनी इमेज में एक और स्टार लगाने के लिए वो पटाते हैं भाई साहब जानवी कपूर। अब जा रहे हैं, जानवी कपूर से शादी हो जाए तो मेरी इमेज जो है मेरे शोल्डर पे एक सितारा और बढ़ जाएगा, और लग जाएगा। जैसे सूट पहन रखा है तो उसके अंदर टाई लग जाएगी, बो लग जाएगी, बिल्कुल, और स्मार्ट लगेगा और सुंदर लगेगा। और शादी हो भी जाती है ट्रेलर में, और उसके बाद एक्चुअली हनीमून पे जाते हैं जर्मनी यूरोप, मतलब हाँ जर्मनी। तो जर्मनी जाते हैं, वहां पे जर्मनी में पूरा ट्रेलर जब खत्म होने वाला था उससे पहले कुछ इस तरह के ग्लिम्प्स दिखाई देते हैं जो कि बाकी के ट्रेलर से मूवी को बिल्कुल अलग दिखाते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर का उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया है और हिटलर के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि ये जो वर्ल्ड वॉर जो था वो हिटलर को दर्शाते हुए इन्होंने ट्रेलर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, जो थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। हालांकि हाँ, वही इस तरह के सीन्स को देख के हालांकि इस ट्रेलर में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो सीन इसने क्यों डाले हैं, वो किस लिए आ रहे हैं एग्जैक्टली, और क्या एक्चुअली जो डायरेक्टर है वो दिखाना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। जिस तरह के ट्रेलर की या मूवी की जो उम्मीद नितेश तिवारी से हो सकती है वो मुझे इसमें अभी तक नहीं लगा। एक्चुअली ये ट्रेलर जो है बेसिकली बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है, और नितेश तिवारी जैसे बड़े डायरेक्टर की मूवी अमेजोन प्राइम के ऊपर रिलीज हो रही है, मैं उससे भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज जैसी वो पिक्चरें बनाते हैं वो बड़े कैनवस की पिक्चरें होती हैं। मुझे लगता है इसके मेकर्स तो खुद इस पिक्चर को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मूवी को थिएटर में रिलीज करना चाहिए, तो हो सकता है इसके लिए ओटीटी पे वो पहले से उसको रिलीज कर रहे हैं क्योंकि थिएटर में आजकल ऑडियंस को खींचना बड़े बड़े बैनर्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है। एग्जैक्टली, बहुत मतलब अगर अब आप ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको समझ अच्छी तरीके से उनको क्या देखना और क्या नहीं देखना। हाँ बिल्कुल, ये है आदि पुरुष के बाद, तो बिल्कुल आदि पुरुष का नाम ले रहा हूँ। आजकल जितनी फिल्में आई हैं उसमें ऑडियंस बड़ी स्मार्ट हो गई है, बाहर का सिनेमा देख के ओटीटी के जो कंटेंट ओटीटी पे वो सब देख के ऑडियंस जो बहुत स्मार्ट हो गई, समझदार हो गई है। और मूवी में वरुण धवन और जानवी कपूर के अलावा मनोज पावा भी है। ओके हाँ, मनोज पावा भी एग्जैक्टली, जिनको देख के थोड़ी उम्मीद लगती है कि अच्छी एक्टिंग की थोड़ी उम्मीद की जा सकती है हमें वो और एक्टिंग वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर उनके पास काम हुआ करने के लिए तो वो 100% बढ़िया करने वाले हैं, क्योंकि वो आपको पता ही है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। जी बिल्कुल, इस ट्रेलर का ओवरऑल लुक की बात करें तो मुझे लगता है कि इस तरह के अगर जब कॉमेडी फिल्में आजकल जैसी बन रही है उसने बहुत ये फॉर्मूला मुझे देखने को मिल रहा है, जो मैं नोटिस करता हूँ कि एक छोटे शहर का लड़का दिखाना है, उसके पापा दिखाने जो कि फनी होंगे, बहुत ज्यादा फ्रैंक होंगे हीरो के साथ। एग्जैक्टली, हीरो का एक दोस्त होगा बहुत ज्यादा जो फनी होगा और हीरो जो होगा उसकी औकात से बाहर की लड़की जो हीरोइन होगी। ये आप पिछली कई फिल्में देख लो, अभी जो कार्तिक आर्यन की मूवी आई है उसमें भी यही था। एग्जैक्टली, लड़का आजकल हीरो जो है बिल्कुल नाला ही दिखाया जा रहा है। एग्जैक्टली, तो इसमें एक छोटा सा क्लिप दिखाया है उन्होंने जिसमें वरुण धवन अपनी वाइफ की इंसल्ट करते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही है, मुझे अपनी इमेज को थोड़ा इस तरीके से बनाना है, तो मुझे पीस भी मिला था डिफेक्टेड। तो मैं वहां थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बिकॉज जैसे नितेश तिवारी जिस तरीके की मूवीज बनाते हैं बेसिकली उनका एक मुद्दा होता है, जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने छिछोरे बनाई थी तो उनका मुद्दा था एक तरीके का कि जो बच्चे
जिनके मार्क्स कम आते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा हाइप कर देते हैं और इस तरीके से बोल देते हैं उनको कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो आत्महत्या करने तक की उस पे चले जाते हैं, तो वो मुद्दा उनका इस तरीके का था। तो पता नहीं क्यों मैं इस ट्रेलर को देखकर ऐसा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे अपने थ्योरी नहीं बन पा रहे हैं जितना मैं थोड़ा समझ पाया हूँ ट्रेलर को देखने के बाद। लगता है नितेश तिवारी का जो फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल अगर उस पैटर्न को फॉलो करके अगर हम बात करें अंदाजा लगाएं तो मुझे लगता है कि जो छिछोरे में जो एक उन्होंने मुद्दा उठाया था कि सुसाइड के अराउंड की सुसाइड जो लोग करते हैं उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके अराउंड जो अवेयरनेस है उन्होंने इस मूवी से फैलाने की कोशिश की थी। और यहाँ मुझे बहुत ज्यादा मुझे इस बात का वो है कि इस मूवी में वो जो है जो जिन लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनके साथ हमें किस तरीके से डील करना चाहिए वो इस मूवी में मुझे लगता है बताने वाले हैं। एग्जैक्टली, हो सकता है बताने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली इसमें दिखाया कुछ नहीं है, ये हमारे थ्योरीज हैं कि इसमें ऐसा हो सकता है ये ना भी हो, बट वो मूवी देख के पता चलेगा। मूवी देख के पता चलेगा, अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा ट्रेलर देख के अगर मैं एक बात में बोलूं तो इससे पिछली मूवी के अंदर सत्य प्रेम की कथा, उसके अंदर भी इन्होंने जो ट्रेलर उन्होंने दिखाया था तो वो मुद्दा उन्होंने बेसिकली हमें मेंशन नहीं किया था। वो पिक्चर देखने के बाद हम लोगों को पता लगता है कि उस मूवी का मुद्दा एक्चुअली क्या था। तो सेम इस ट्रेलर के साथ भी यही है कि जो वो मुद्दा शायद उन्होंने जो हाइड करके रखा है इसके अंदर, जो लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, ये मेरे को थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि शायद ये मुद्दा इसके अंदर हो सकता है। हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, मुद्दा ना भी हो, बेसिकली जो ट्रेलर में दिखाया हो फ्लैट हो पूरा का पूरा स्टोरी का। तो मे बी ये जब मूवी रिलीज होगी हमें तब पता लगेगा बेसिकली कि ये इसमें क्या होने वाला है। इस मूवी के मेकर से अगर नितेश तिवारी का नाम हटा दो तो मुझे इस मूवी से कोई बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं ट्रेलर देख के। सिर्फ जो नितेश तिवारी का नाम है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल और बहुत एक फ्लैट मूवी तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ इसमें होगा जो बारे में अभी बात भी कर रहे हैं। जिस रास्ते से वो पिक्चर को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो रास्ते उनके होते हैं टेढ़े मेढ़े, तो मे बी हो सकता है वो उसमें कुछ उनका तरीका देखने को मिल जाए। क्योंकि सच बोलूं तो ट्रेलर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उन्होंने सिर्फ सीधा दिखा दिया है, जैसे हमने आपको बता दिया सिर्फ यही है इसके अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। हमारा एक थ्योरी जो थी था जो हमें लगा हमने आपसे शेयर कर दिया, बाकी इस मूवी में ऐसा कुछ है नहीं। पूरा ट्रेलर जो है अभी नहीं हुई है, अभी ट्रेलर ट्रेलर देख के जो है कि वो ये लग रहा है कि इससे पहले जितने ट्रेलर या मूवीज हमें आ चुके उसमें कई बार हम सेम टाइप की जोक्स दिख चुके हैं, सेम टाइप के पेरेंट्स दिख चुके हैं, सेम टाइप का बैकग्राउंड दिख चुके हैं, और वही देखते हुए आ रहे हैं। तो इस मूवी में कुछ भी नया नहीं लगा, मूवी में अगर कुछ नया होगा तो मूवी देख के पता चलेगा, वो एक जो मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। तो मूवी जब आएगी तो उसका हम पूरा रिव्यू करेंगे। एग्जैक्टली, मूवी जो रिलीज होने वाली है 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है Amazon प्राइम पे। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ट्रेलर का, बवाल का। तो बवाल जो नाम का बवाल था, बवाल तो बारिश हो रही है तो पूरा बवाल मचा हुआ है दिल्ली में, मेरे दिल में ये बवाल मचा हुआ है। मेरी बीवी ने पकौड़े बना के नहीं खिलाए मुझे। चलिए अब पकौड़े खिलाने की इनको थोड़ी व्यवस्था करवाते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दिखाइए हमारे वीडियो। बिल्कुल, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।